नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की जीत में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। नीलकंठ पक्षी ने बताया, चाहे कुवारे मर जाना, लेकिन इन तीन लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना, नहीं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी जंगल में नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी एक वृक्ष की डाल पर बैठे हुए थे। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। नीलकंठ की पत्नी कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए वह स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पियाजी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। नीलकंठ कहता है, नहीं प्रिय, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती। तब नीलकंठ कहता है, ठीक है प्रिय, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी को सुनने के साथ तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने लगी है, और कितने गलत गलत काम करने के लिए भी वह तैयार हो जाती है। प्रिय दर्शकों, तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप वह कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं। प्रिय दर्शकों, तब नीलकंठ अपनी पत्नी को वह कहानी सुनाता है। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में तीन दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का था। एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। तीन दोस्त थे, तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वे तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे, तो राजकुमार जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्तों से कहता है, भाई कल चलते हैं हम और अपनी पत्नी को मायके से बुलाकर ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद भी आ रही है, इसीलिए कल ससुराल चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला ले। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने कहा, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में महल में तुम आराम से सो जाओगे, लेकिन हम कहां जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई तुम कोई चिंता मत करो, तुम एक रात मेरे साथ ही रुक जाना, एक रात की ही तो बात है, रात सराय और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे, एक रात तुम काट लेना
और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। प्रिय दर्शकों, राजकुमार की बात को सुनकर दोनों दोस्त, शाहूकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था, वे सहमत हो जाते हैं। लेकिन बनिया का लड़का जो था बहुत ही चालाक और चतुर था, और जो राजा का लड़का, राजकुमार और साहूकार का बेटा था, वे बिल्कुल भोले और नादान थे। प्रिय दर्शकों, दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरे दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहाँ चल देते हैं, और चलते चलते 3 दिन उनके रास्ते में लग गए। और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपने ससुराल के पास में जा पहुंचा। उस नगर के पास में जब पहुंचता है तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई यहाँ कोई सराय देख लेना और राख उस सराय में काट लेना, और मैं ससुराल जाता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है, और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देता है, और सराय के जब समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आई है। और प्रिय दर्शकों, सराय के दरवाजे पर जब वे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगे, हे माता, हमें सारी रात इस सराय में बिताने हैं, हमें इस सराय में बिताने के लिए आए हैं, सुबह चले जाएंगे, हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो। जब हम अपने दोस्त के साथ चले जाएंगे, एक रात की ही तो बात है। दोनों दोस्तों की बात को सुन करके वह बुढ़िया जो थी वह कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुकें, इस सराय में आप रात ना गुजारें। तब दोनों दोस्तों ने पूछा, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचोगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस तरह से वह बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब तक एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदरी को देखा तब वह उस पर मोहित हो गया, और उसके साथ रात में रुकने के लिए वह तैयार था। उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार ले। प्रिय दर्शकों, इधर बुढ़िया समझाती है, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वह अपने दोस्त से कहता है, और कहता हुआ वह चला जाता है कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू ठहर लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रहेंगे। प्रिय दर्शकों, इतना कहने के बाद में वह साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के पीछे रुकने के लिए वह सराय में अंदर चला गया, और जो सराय में एक हॉल टाइप का रूम यानी हॉल जैसा एक कमरा था, वह बहुत गहरा और लंबा था। उसमें वह सुंदरी युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। प्रिय दर्शकों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में
सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया। जो बहुत ही चालाक था, वह चतुर था और समझदार था। बनिया का लड़का ने उसे रोका भी, लेकिन वह नहीं माना। अब प्रिय दर्शकों, बनिया का लड़का जो था, वह बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि सराय में जो रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट करके नहीं आएगा, इसका क्या कारण है, इसे बताने की कृपा करें। प्रिय दर्शकों, तब वह बुढ़िया कहती है, बेटा तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। वह लड़का कहता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता, बात क्या है, खुल करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा यह जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी, इसके साथ में वह अंदर गया। वह सुंदर युवती जो है, वह एक वैश्या है और नागिन है। यह रात में अपना रूप बदल लेती है और इसके साथ यह रात में युवती उसी को दस लेती है और उसको मार देती है। इसीलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वह जिंदा लौट करके नहीं आया। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, बनिया का लड़का यह सुनकर के घबरा गया और कहने लगा, बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको, तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था। वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता जी, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया बनिए के लड़के को तलवार देती है और वह चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है, और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्या के साथ में लेटा हुआ था, वहीं पास में एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब यह नागिन अपना रूप धारण करे और हम इसको मारें। प्रिय दर्शकों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी, वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने आई होती है, तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए होता है, तो एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती मर गई। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उसे मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया एवं छुपा दिया। प्रिय दर्शकों, तब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, वह बनिया का लड़का जो था, इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है, और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है, वह जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहाँ जा रही है, देखना चाहिए, इसके पीछे जाना चाहिए और यह जानकारी लेनी चाहिए कि यह कहाँ जा रही है। बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार थी, जिसने नागिन का वध किया था, वह उस सुंदर लड़की के पीछे चल दिया और वह बनिया का लड़का सोचता जा रहा था कि देखते हैं यह कहाँ जा रही है। वह स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था, और वह स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की और वह सारा नजारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब
उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वह क्यों? तो वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हम अपने घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए ना आ पाऊंगी। तब वह साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी लेकिन अब हमें धोखा दे करके जा रही हैं और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हूँ। तब वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगी। प्रिय दर्शकों, उस सुंदर स्त्री की बातों को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तो चली जाओ यहाँ से। तो उसको बहुत गुस्सा आ चुका था, साधु ने उसकी नाक काट ली और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाते हुए अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर प्रिय दर्शकों, वह बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और यह नजारा देख रहा था। उस बनिया के लड़के को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहां से तुरंत चल देता है और आगे चल करके एक मंदिर था और इस मंदिर में जाकर के छिप कर भीतर बैठ गया। अब वह सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। अब इधर जो वह बनिए का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, वहां पर कुछ लोग वह कुछ कर नहीं रहा था और उस मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहता है, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं। उसी मंदिर के सामने से चोर गुजर रहे थे, वही चोर कहते हैं, और अगर यह हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा के लड़के को लेकर आएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वह चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा हुआ था उसने जब चोरों की बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कहता है, यह क्या है, यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। हे प्रभु, यह हो क्या रहा है। प्रिय दर्शकों, वह बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोच करके वह मंदिर में बैठा रहा। इधर हुआ कि वह स्त्री जो थी जिसकी नाक साधु ने काटी थी वह अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया, बाकी पीड़ा तो सता रही थी उसे। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं ना जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे, हमें शर्म से अपना सिर नीचे झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दें और यह कह दें कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। तो वही हुआ, सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था तभी वह चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। प्रिय दर्शकों, घर वाले जो थे वे एकदम से भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। वह जो राजकुमार था, जो राजा का लड़का था, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहां से राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वह सारा वृतांत जान करके उसको कारागार में डाल देता है। तब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिये, अब आगे सुनिए क्या हुआ।
इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था उसने पूरा दिन इधर उधर बैठ करके काट लिया और जब रात हो गई तब इस मंदिर में जा करके छुप करके बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि राजा की लड़की को पकड़ करके वे जरूर लाएंगे और उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जा करके तलवार लेकर के वह छुप कर बैठ गया और इधर आधी रात जब होती है तभी वह चोर राजा की लड़की को पकड़ करके लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठे कर बातें करते रहते हैं और कहते हैं, देवी माँ ने हमारी बातें सुन ली हैं, कितनी बढ़िया हमने चोरी की और हम पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन जाएंगे क्योंकि हमने बहुत माल लूटा है। इस तरीके के बातें कर रहे थे, कुछ देर करते रहे, फिर उनमें से एक बोला, देखो भाई अब उस लड़की को जल्दी ले जा और देवी माँ के सामने उसका सिर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। तो प्रिय दर्शकों, उन चोरों ने ए जो लड़की थी वह राजा की लड़की को पकड़ करके अंदर मंदिर में पेश करता है और देवी माँ की जहाँ पर मूर्ति थी वहाँ पर ले जाता है और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वह तलवार को छोड़ देता है तो बनिया का लड़का तो वहाँ तैयार ही बैठा हुआ था और वह लड़की राजा की लड़की का सिर काटने ही वाले थे चोर, तभी उसकी बलि नहीं चढ़ा पाए और वे बोले, क्योंकि उससे पहले ही बनिया के लड़के ने उन चोरों को मार दिया और चोरों को मार करके उनकी लाशों को एक बगल में रख दिया। इधर उन चोरों ने एक जब बहुत देर हो गई तो वह देखा कि वे मरे हुए हैं, उनके साथियों ने देखा कि वे मरे हुए हैं, वे एक साथ ही गए हैं, वह लौट करके नहीं आए कि हमारे दोस्त अभी बहुत देर के गए हैं और अभी लौट करके नहीं आए, अरे तू जा और देख करके आ कि उसने बलि चढ़ाई या नहीं, चढ़ा पाई या फिर नहीं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे ही दूसरा चोर जो है जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था उसने उसको भी मार दिया और उसको भी रख दिया। मतलब यह है कि इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सभी चोर को मार देता है तब वह लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वह बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देती हैं। राजा की लड़की घबराई हुई थी, उसे बनिया के लड़के के साथ में वह चल देती है और इधर राजा की जो लड़की थी वह बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी कि हम तुमसे विवाह करने चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, बातों ही बातों में वह राजा के घर तक पहुंच गया और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो बनिया का लड़का वह था। बनिया के लड़के ने मना कर दिया, नहीं मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था और इसका मतलब यह है नहीं कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। प्रिय दर्शकों,
तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है, बचाओ, यह हमको पकड़ के ले जाना चाहता है और यह हमारी इज्जत लूटना चाहता है। प्रिय दर्शकों, राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उस बनिए के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, यह तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, यह आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था, वह तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी इसीलिए मैंने बचा लिया, अगर वह नहीं चिल्लाती तो यह आपकी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। प्रिय दर्शकों, यह सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़ करके उस बनिए के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे, जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था। वह दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया क्योंकि उसने एक वैश्य की मृत्यु कर दी थी, उसका वध किया, इसीलिए वह भी वहां जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर के मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहां बैठ जाते हैं। इधर प्रिय दर्शकों, अगला दिन हुआ और वे राज दरबार में तीनों को बुलाया, जिन तीनों को राजा ने पकड़ करके जेल में बंद किया था और उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार किया। दरबार लगा हुआ था और राजा ने जो साहूकार का लड़का था, जिसने वैश्य का वध किया था, उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि तेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा कहाँ लगा, बता तूने वैश्य का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा। प्रिय दर्शकों, उस साहूकार के लड़के को कुछ मालूम ही नहीं था क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, जो उसे मालूम होता। राजा ने फिर पूछा, वह चुपचाप खड़ा रहा। फिर राजा कहता है, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, तुमने मेरी बात की जवाब नहीं दिया, वैसा का वध तुमने क्यों किया। प्रिय दर्शकों, तब वह साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिए का लड़का था वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं है, इसलिए वैश्या का वध इसने नहीं किया, क्योंकि वैश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो बता तूने क्यों किया। राजा कहता है, तू बता तूने आखिरकार वैश्या का वध क्यों किया, वह क्या बात थी। तब प्रिय दर्शकों, बनिए का लड़का कहता है, दोस्तों के साथ में इसी साहूकार के लड़के के साथ में सारी रात रुकने के लिए, सराय में रुकने के लिए एक रात गुजारने के लिए गए थे और एक बूढ़ी माँ ने मना किया था, इसके अंदर नहीं रुको क्योंकि जो रुकता है वह चुभ है जिंदा नहीं बचता, लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वैश्या को देख करके रात गुजारने के लिए अंदर सराय में चल दिया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि यह नागिन है और यह नागिन का रूप में आकर के उसको डस लेती है, इसीलिए तब मैं तलवार को लेकर के अपने इस दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए जहां यह पलंग पर वैश्या के साथ लेटा हुआ था वहीं एक कोने में जाकर के बैठ गया और जैसे ही उस वैश्या ने रूप बदला और नागिन बन करके हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैं तुरंत उसको मारने के लिए चला और मैंने उसको तुरंत मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रखी हुई है,
आप देख लीजिए। तब राजा ने सैनिकों को भेजा और वहां सैनिकों ने जाकर के वही मरी हुई नागिन पाई और आकर के सारी बात राजा को बताई कि सत्य बात है। तो प्रिय दर्शकों, राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है जो अपने दोस्त की जिंदगी बचाई है। प्रिय दर्शकों, राजा साहूकार के लड़के को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा जो था वह राजकुमारी यानी कि जो राजा का लड़का राजकुमारी को लेने आया था और उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक को क्यों काटा। प्रिय दर्शकों, उसको भी कुछ मालूम ना था कि उसकी बीवी की नाक किसने काटी, वह भी चुप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा कि बोल क्यों नहीं बोल रहा है कि तूने अपनी पत्नी की नाक को क्यों काटा। तब प्रिय दर्शकों, वह बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम इसने अपनी पत्नी की नाक कान ना काटी है, किसने काटी है। तो फिर राजा ने पूछा, वह वृतांत में आपको सुनाता हूँ। तब उस बनिए के लड़के ने राजा को बताया कि यह लड़की साधु से प्रेम करती है, रात में साधु से मिलने के लिए गई, इसके पीछे पीछे मैं भी गया, इसलिए कहा कि मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। यह सुनने के बाद साधु ने उसकी नाक काट ली और उसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। इसमें गलत किया उसने और भरपाई मेरे दोस्त की हो रही है। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं। तब उस बनिया के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजिए जहां उस साधु का आश्रम है, देख लीजिए कि मैं साधु का वध करके आया हूँ। प्रिय दर्शकों, सैनिक जाते हैं आश्रम पर, उस मरे हुए साधु को देखते हैं तो आकर के राजा को बताते हैं कि महाराज बात सत्य है। प्रिय दर्शकों, तब वह राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है, वह भी बच जाता है। प्रिय दर्शकों, फिर नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, अब आई बड़ी इस कहानी के समझ में तुम्हें। बनिए का लड़का की जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई, अब उसकी बारी आ चुकी थी। तो राजा बोलता है कि तूने तो अपने दोस्तों को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहता था, अब तू नहीं बचेगा। प्रिय दर्शकों, तब वह बनिए का लड़का कहता है कि महाराज क्षमा करें, यह आपकी लड़की जो है इसीलिए हमें गलत फंसाया है कि यह आपकी जो लड़की है वो हमसे मोह कर बैठी है, वह चोर आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए षड्यंत्र कर इसको पकड़ करके ले गए थे। तो मैं इस मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार थी क्योंकि मैं साधु को मार करके आया और आपकी लड़की को उन चोरों ने बलि चढ़ाने के लिए, जैसे ही एक चोर अंदर मंदिर में आता है मैंने उसको मार दिया, दूसरा आता है उसको भी मार दिया, इसी तरीके से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में, जाकर के देखते हैं तो उन चोरों की लाश पड़ी हुई थी। तो सैनिकों ने आकर सारी बात राजा से कही कि महाराज बात सत्य है, आपकी लड़की की राजा आप इस लड़के को दोषी बता रहे हैं, इसने आपकी लड़की की रक्षा की, यह चोरों से मैंने इसको बचाया,
और बजा करके जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए मैं आ रहा था, तब आपकी लड़की हम पर आशक्त हो गई, प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं जिस लड़की की रक्षा कर रहा है और अब मैं उसके बदले में उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं कह रहा था कि मैंने उससे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। और उसने वही किया। बनिया के लड़के की बात को सुन करके राजा जो था उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है और तब उसने बनिया के लड़के को आजाद कर दिया और माफी मांगी कि जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इसी तरीके से वह बनिया का लड़का जो था अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वहीं रहने लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब वह नीलकंठ कहता है कि प्रिय देख लिया, इस तरीके से नई नई लड़कियां स्वार्थी बन जाती हैं और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती हैं। अब कुछ गलत काम के लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने ही कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी प्रिया नीलकंठ की बात को सुन करके नीलकंठ में जो थी वह चुप हो जाती है। उसके बाद में नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, चाहे भूखे मर जाना, इसीलिए तो मैं सोचता हूँ कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन तीन लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। नीलकंठ समझाता है कि तीन लक्षणों वाली स्त्रियां यह हैं। पहली, वह जो पति होकर भी पराय पति से हित करे और पराय पति से चुप चुप के मिलने लगे और पतिव्रत धर्म को भूल जाए, उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए, तो ऐसी स्त्री को हमेशा छोड़ देना चाहिए और ऐसी स्त्री से दूर रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वह है जो एक स्त्री तो है लेकिन वैश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह जी रही है। अब उसे अपनी हवस की इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों ना करना पड़े, लेकिन वह कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को ही डस करके मार देती है। तो ऐसी वैश्यावृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्री है, इसे दूर रहना चाहिए, इससे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और नीलकंठ कहता है, प्रिय तीसरी स्त्री वह है जिसकी जान अगर कोई बचाए और अगर वह कहने लगे कि उसकी आप विवाह कर लो, आप उसके मददगार हो, ऐसे में मददगार को ही वह झूठा फंसा दे और उस मददगार से विवाह की इच्छा करे, उसी से दुष्कर्म दुष्व्यवहार करने की इच्छा करे और फिर उसको झूठा फंसा करके उसको मरवा डाले या उसे कारागार में बंद करवा दे या उसे सजा दिलवा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बच के रहना चाहिए। इसका कोई भरोसा नहीं है। इस वक्त तुम्हारी जिंदगी को ले बैठती हैं वे स्त्रियां। तो प्रिय दर्शकों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में तुम्हारा कोई भी
कुछ भी कैसा भी करे या तुम मर ही क्यों न जाओ, पर इन तीन लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। बस आज के लिए इतना ही और हमारी वीडियो समाप्त होती है यहाँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।